हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको पेज इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज कम से कम 2 शेयर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल या फिर आप अपने खुद का चैनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल ही है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि रोज आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको रोज 2 शेयर का एनालिसिस हमारे चैनल पर मिलेगा और आपको पता पड़ जाएगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है और किस में इन्वेस्टमेंट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेज इंडस्ट्रीज पेज मैन्युफैक्चर नहीं करती है, सबसे पहला डाउट तो ये। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि ये पेज इंडस्ट्रीज इस कंपनी का नाम है, पेज इंडस्ट्रीज, तो ये कंपनी पेज बेचती होगी। सीधी बात है, आपको तो ऐसा लगता होगा। देखिए, मेरे को खुद को ऐसा लगता था कि ये कंपनी पेज बेचती है, लेकिन जब मैंने इसके रिगार्डिंग स्टडी किया तो मेरे को पता पड़ा कि ये कंपनी गारमेंट्स बनाती है, ये कंपनी गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है और उसको बेचने का काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी गारमेंट्स है और पेज इंडस्ट्रीज इस कंपनी का नाम है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये कंपनी पेज बनाती है, पेज को बेचने का काम करती है, मतलब नोटबुक्स हो गई उनको बेचने का काम करती है, ऐसा नहीं है। ये कंपनी गारमेंट्स बनाती है, ये कंपनी गारमेंट्स मतलब कपड़े, जो कपड़ा होता है ना, बुना हुआ कपड़ा, वो बनाती है ये कंपनी। तो देखिए, ये तो आपको पता पड़ गया कि ये कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में, तो जो कपड़े का धंधा है वो टेक्सटाइल में आ गया ना, तो कंपनी भी टेक्सटाइल वाला धंधा है। और अभी टेक्सटाइल वाला धंधा पिछले 1-2 साल से पूरा थोड़ा, मतलब कोरोना के बाद में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई है, देखिए जितनी ऑटो सेक्टर्स को नहीं हुई है उससे ज़्यादा दिक्कतें थोड़ा टेक्सटाइल वाले धंधे को हुई है, ऐसा मेरे को लगता है। अब आप ये देखिए, सारे शेयर महंगे, सेक्टर का पी 92.79 है, ये भी कहा पीछे 91.99 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है, इतने महंगे पी पे। लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखेंगे तो 3.82 सेक्टर का है और ये मिल रहा है 38.50 पे। देखिए, महंगा तो ये है, लेकिन मेन बात इसकी जो मेरे को अच्छी लगी वो है इसका बीटा। आप ये देखिए, इसका बीटा 0.52 ही है, मतलब इसके अंदर रिस्क बिल्कुल कम है। मतलब अगर आप देखिए, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इसमें क्या ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। देखिए, रिस्क कम कैसे हो गया, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, तो एक बढ़िया बात है ये। मतलब अगर आप शेयर को लेते हैं तो बाई चांस ये गिर भी जाता है तो एकदम से झटका नहीं लगेगा, तो क्या धीरे धीरे गिरेगा तो आपको भी पता पड़ जाएगा कि आपको किस प्राइस पे इसको निकालना है। तो कभी क्या होता है कि आप सपोज कहीं को काम पे चले गए तो एकदम से शेयर सीधा 10% गिर जाता है, तो ऐसा इसके अंदर बहुत कम होता है। अब देखिए मार्केट कैप, देखिए एक मिड कैप स्टॉक है, 31,573 करोड़ की मार्केट कैप ये इसकी है। अब देखिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड तो खासा ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं पिछले साल यानी कि 2019-20 वाले फिस्कल ईयर की बात करूं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है एज कम्पेयर टू 2019 से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हुई है। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी दिक्कत है जो कि इसके शेयर को भी थोड़ा सा गिरा हुआ रखती है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 3,900 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी, सॉरी 3,900 नहीं, आई एम रॉन्ग, 390 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी और वो हो गई है 340 करोड़। मतलब लगभग ये जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग गिर गई 12% के लगभग, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई। और अभी आप शेयर का प्राइस देखोगे तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग उतना ही गिरा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो बात इसके अंदर फैक्टर इन हो गई है। अब आप ये देखिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है 48.31%, देखिए वैसे तो 50% होता है तो बढ़िया होता है, लेकिन ठीक है 48.31% भी ज़्यादा पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये ठीक है, रीजनेबली अच्छा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बेकार भी नहीं है। अब अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो 12.29% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की, DAI की 2.5-3% की होल्डिंग है, FII ने इसके अंदर जम की होल्डिंग बिठा रखी है, 25.5% की होल्डिंग इसके अंदर FII की है।
तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स की तो इसके ना नी के बराबर होल्डिंग है सिर्फ 11.36%। तो देखिए 90% का स्टेक अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट वो बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ है, और मेन जो जिनको पता है कि क्या चल रहा है, क्या फंडामेंटली है। देखिए ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में 90% रिटेल इन्वेस्टर्स विदाउट एजुकेशन ट्रेड करते हैं। मतलब उनको पता नहीं होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं तो भी वो ट्रेड करते हैं। कुछ लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि उन्होंने इस कंपनी में पैसा डाला है तो ये कंपनी क्या काम करती है, उनको ये तक नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि इंडिया में अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा एजुकेशन अभी कम है। देखिए एजुकेशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी वो अभी भी थोड़ा गैम्बलिंग की तरह काम करते हैं। अब आप ये देखिए क्वार्टर वाइज कंपनी का इनकम स्टेटमेंट, ये देखिए 551 करोड़ की कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो थी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के अंदर। फिर कोरोना हो गया, पूरा टेक्सटाइल का धंधा फ्लॉप पड़ा हुआ था, सारा धंधा बंद पड़ा हुआ था, फिर भी ठीक है ज़्यादा इतना नहीं गिरा, 290 करोड़। फिर देखिए सिचुएशन नॉर्मल हो गई, फिर देखिए 744 करोड़ का कंपनी की टोटल इनकम। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉरी इनकम है, जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो लगभग 190 करोड़ बढ़ा है। तो देखिए ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ से 190 करोड़ मतलब लगभग 30-35% कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ा है अगर मैं जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में बात करूँ तो। तो देखिए रिकवरी तो आई है कंपनी के धंधे के अंदर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में सिर्फ 31 करोड़ का मुनाफा, फिर उसके बाद में कोरोना हो गया, कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा थे तो 39 करोड़ का लॉस। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए 110 करोड़ का कंपनी का मुनाफा, सिचुएशन नॉर्मल हो गई, कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखा दिया। अब यहाँ से आप ये देखिए अगर मैं जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 3 गुना बढ़ गई है, 3 गुना से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3.5 times कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। तो देखिए कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है। और अगर आप ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, वो भी ज्यादा निकल कर आएगा 2018 से भी, 2019 और 2020 से भी। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब ये देखिए कंपनी का आरओई, देखिए कितना बढ़िया कंपनी का आरओई है। देखिए 40% का आरओई वाला, मतलब मैं तो 20% का आरओई मेरा एकदम बढ़िया होता है, यहाँ पे 40% का आरओई कंपनी का है। अब देखिए थोड़े से एक्सपेंसिस पिछले साल कंपनी के ज़्यादा हो गए थे तो थोड़ी सी वो दिक्कत थी, तो उसके बावजूद कंपनी का आरओई गिर गया। लेकिन देखिए 20% का आरओई मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया होता है, इसको मैं ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं लूँगा, और इस बार तो कंपनी और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो आपको और मतलब जो 2021 का एंड होगा फाइनेंशियल ईयर का, तो आपको ये आरओई और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर मैं आरओसी की बात करूं तो आरओसी भी मेरा 20-25% मेरा फेवरेबल है, क्योंकि अगर 100 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब 100 रुपए की कैपिटल के ऊपर कंपनी 20-25 रुपए कमा रही है तो मैं उसको बढ़िया मानता हूं। लेकिन यहां पर वो भी 51% है, ठीक है पिछले साल के मुकाबले कम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, लेकिन मेरे को ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है, मैं इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लूंगा। अब आरओए देखिए भाई साहब कंपनी के आरओए, मतलब इतने मोस्टली मैंने कंपनी देखी 15% का आरओए नहीं होता है, यहाँ पर 22% है। देखिए डिक्रीजिंग ट्रेंड में जरूर है, पिछले 2 साल से गिरा जरूर है ये, मतलब 18-19 में बढ़ा, फिर 19-20 में ये गिरा जरूर है, लेकिन अभी भी ये एक ऐसी सिचुएशन पर खड़ा है जहाँ पर ये बोल सकते हैं हम कि अभी भी इसका आरओए, आरओसी और आरओई दोनों ही, मतलब तीनों ही बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आप ये देखिए डेट टू इक्विटी, हर साल कंपनी का डेट कम हो रहा है, देखिए 18-19 में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 19-20 में वापस 0.03 हो गया है। लेकिन देखिए कंपनी का डेट कम हो गया, नी के बराबर कंपनी का डेट है। और देखिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देखिए जिस कंपनी में डेट कम है वो थोड़ा एक्सपेंसिव, मतलब वो आपको थोड़े महंगे रेटों पर मिल रहा है अगर सेक्टर के मुकाबले देखा जाए, तो मेरे ख्याल से आपको उसमें पैसा डालना चाहिए। भले ही उसका बिजनेस का वैल्यू ज्यादा है, लेकिन अगर उसकी डेट, अगर उसका डेट ज्यादा है सेक्टर वाली कंपनी का, मेरे ख्याल से आपको उसको अवॉइड करना चाहिए और इस कंपनी में पैसा डालना चाहिए। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर कंपनी जो भी रेवेन्यू कमाएगी उसका आधा या फिर 10% पैसा भी मतलब उसमें डेट में नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो कंपनी ज्यादा रीइन्वेस्ट कर पाएगी, तो कंपनी के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डेट कंपनी जिसका डेट ज्यादा है।
अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो बात बनती नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर डिपेंड रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो वो डेट टू इक्विटी वो लॉन्ग टर्म डेट का होता है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर देखने का नहीं बनता है। अब आप ये देखिए पेज इंडस्ट्रीज कंपनी, देखिए 36,095 पे इसका ऑल टाइम हाई है और ये 28,368 पे ये अभी चल रहा है। अब आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए 0.21% का मूवमेंट, सिर्फ 61 रुपीज़, 28,000 का शेयर और पूरे दिन में 61 रुपीज़ का मूवमेंट दिया है। तो देखिए साफ साफ बता रहा है वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम है और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शेयर में आपको निवेश करना चाहिए। देखिए जॉकी, स्पीडो, ये क्या धंधा चलता है इनका, आप खुद बताइए, क्या इनका जो अंडरवेयर का धंधा है, जॉकी का, बनियान का धंधा है, वो कितना तगड़ा चलता है, आप खुद देखिए, आपको खुद को पता होगा, मतलब कम से कम आपके खुद के घर में कोई ना कोई जॉकी की चड्डी या बनियान पहनता होगा। मेरे ख्याल से ये धंधा बहुत ही बढ़िया है और अभी टेक्सटाइल धंधा थोड़ा सा अभी अफेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे फ्यूचर में थोड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। और मेन बात ये भी है कि गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि टेक्सटाइल के लिए वो जल्द ही कोई सब्सिडी दे सकती है, और अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो इस कंपनी को बहुत बढ़िया परफॉर्म होगा और इस कंपनी के लिए बहुत ही फायदे वाली बात होगी और जल्द ही आने वाले कुछ ही समय में ये आपको अपना ऑल टाइम हाई टच करता हुआ नजर आएगा। देखिए मेरे ख्याल से इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आप इसमें और गिरावट होती है तो आप इसमें डिप में खरीदारी कर सकते हैं। देखिए टेक्सटाइल बिजनेस अभी अफेक्टेड पड़ा हुआ है, लेकिन ये जिस तरीके से इसके क्वार्टरली के रिजल्ट आ रहे हैं मेरे को इसमें स्कोप नज़र आ रही है। तो देखिए ये था मेरा पेज इंडस्ट्रीज का शेयर का एनालिसिस। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर कंसल्ट कर लीजिए, फिर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाएं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे को कोई और इम्प्रूवमेंट भी देना चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं जरूर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।